गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मांटू के लिए और उसके पापा के लिए मैं बना रही हूँ, मतलब उनके ले जाने के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल, मांटू के लिए भी और इनके लिए भी। तो सुबह के टाइम में मुझे मतलब इतना भारी नहीं पड़ता है कढ़ी बनाना, कढ़ी चावल बनाना, जल्दी से बन भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने कढ़ी का जो घोल है उसको तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स होते ही अभी मैं जो है वो कढ़ी को तड़का लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा ऑयल ना इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि मुझे जो वो आलू हैं उनको भी फ्राई इसमें ही करना है। आज मैंने पहले से फ्राई करके नहीं रखा है क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। और यहाँ पर तेल गर्म होने पर मैंने इसमें प्याज, थोड़ी सी मेथी डाल दी थी और मेथी के चटकने के बाद में फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी है और थोड़ी सी साबुत मिर्च डाल दी है। उनको अच्छे से मैं भून लूँगी। छोंक तैयार होने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए आलू जो कि मैंने वॉश करके सुखा के रखे हुए हैं, तो मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। और इनको भी अच्छी तरीके से भून लेना है, मतलब पका लेना है अच्छे तरीके से। मैंने इसमें भी सिर्फ नमक ऐड किया है। सब कुछ मसाला तैयार होने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ी का घोल। और आपको कढ़ी के घोल को इसमें डालने के बाद में उसको चलाना है तब तक जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर हम कढ़ी को छोड़ देते हैं तो कढ़ी जो है फट जाती है। बस एक यही बात है जो कि हमें इसमें याद रखनी होती है कि आप कढ़ी को सिर्फ चलाते रहें। दूसरी तरफ मैं रख दूंगी चावल और आज मैं खुले चावल ही बनाऊंगी, मतलब कुकर में नहीं बना रही हूँ, खुले ही बना रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा मतलब इनके लिए ही ले लूँगी और अपने दोपहर के लिए भी बना करके रख लूँगी। इनको वॉश करके और फिर मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, जब तक कि पानी में बॉईल आएगा। पानी में बॉईल आने के बाद में मैं जो ये भीगे हुए चावल हैं वो इसमें डाल दूँगी और बस झटपट से जो मेरे कढ़ी चावल हैं वो बन करके रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तब तक मैं बाकी के अपने काम और भी देख लेती हूँ साथ के साथ में। तो यहाँ पर चावल भी बन चुके हैं और मैंने इसको इसमें डाल लिया है। इधर मेरी जो कढ़ी है वो भी बनकर रेडी हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा जो है खाना पीना सब कुछ बन चुका है और सारा काम भी फिनिश हो गया है। सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई। तो आज का जो पता नहीं आज मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, बहुत ही ज़्यादा बार बार, मतलब क्या होता है ना वो जब एसिडिटी में होता है खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। शायद मैंने चाय ज़्यादा ले ली, दो बार ली है मैंने, हाँ दो ही बार ली है। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। आज मुझे करनी है अपने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मुझे कमेंट भी आए हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो दिखाइए कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसे वो किया है। तो ज़्यादा कुछ आपको मेरे ड्रेसिंग टेबल में मिलेगा नहीं क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में सामान उन्हीं के मिलता है जो बिल्कुल मेकअप के लवर होते हैं, जिनको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता लगता है, पर मैं कर नहीं सकती अपनी स्किन की वजह से। मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी, वैसे ही मतलब फेस पे बहुत ज़्यादा मेरे पिंपल हो जाते हैं और सेंसिटिव स्किन है। अगर मैं अपने चेहरे पर कोई क्रीम भी लगा लेती हूँ तो उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, ऐसा मन करता है कि जल्दी से मुंह धुल ले। तो वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसा जो होता है वही हम कभी कभार कहीं बाहर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी होते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग सामान है मेरे ड्रेसिंग में। पर ले
रही हूँ अपनी मेडिसिन, और उनको मुझे दूध से ही लेना होता है तो वही ले रही हूँ। दो तरीके की हैं, मतलब दोनों को, एक पानी से लेना है एक दूध से लेना है। थोड़ा सा गैप करके बीच में मैंने अपनी जो है वो दवाई ली है। अभी आ गई हूँ अभी रूम में और ड्रेसिंग की क्लीनिंग करने। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादा गंदा नहीं है, पर फिर भी इसका जो वो है ना, वो होता है पेंट, वो ब्लैक, तो इस पर धूल ज़्यादा दिखती है, तो मुझे दिखी, हाँ यही मुझे नज़र आ रही थी। और इसी से मुझे डाउट हुआ कि जो ड्रेसिंग टेबल है वो गंदा हो चुका है, इसको क्लीन करना है। और ये जो है, ये मांटू लेकर के आई थी भजनपुरा से ही, तो मैंने इसको तब से जब से ये आया है मैंने यहीं पर लगा रखा है, अच्छा लग रहा था। और इसकी ना ड्रेसिंग टेबल की हमारे यहाँ पर लाइट थी वो निकल गई है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती वैसे ही ऑटोमेटिक पूरे घर में लाइट है, तो वो निकल गई इसमें से, मतलब नए ड्रेसिंग टेबल की ही ख़राब हो गई थी ये। तो चलिए क्लीनिंग पर लग जाते हैं, सफाई करते हैं। अभी ये टाइम जो है ना मेरा, ये बिल्कुल फ्री टाइम है, इस टाइम पर मुझे कोई भी काम नहीं है इस टाइम, क्योंकि खाना जो था वो सुबह में बन गया था, कढ़ी चावल, और बाकायदा जो भी मेरा घर का क्लीनिंग व्लीनिंग जो भी होता है वो सब हो गया है। कपड़े वॉश कर लिए हैं मैंने, आज मशीन भी लगाई थी पर आप लोगों को दिखाया नहीं, सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। और यहीं पर मैंने जो है स्टैंड खड़ा कर रखा है, मतलब सूख जाएंगे ये तकरीबन 3-4 बजे तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको एक साइड में यहीं पर खड़ा किया हुआ है, क्योंकि ऐसा है हम लोग ना बेडरूम में बहुत कम आते हैं, ये जो अंदर वाला रूम है इसमें बहुत कम आते हैं, जो बाहर वाला रूम है उसमें हम ज़्यादा रहते हैं, और जो ये बीच में है इसमें भी रहते हैं, इसमें बहुत कम आते हैं। इसकी इस रूम की ज़रूरत पड़ती है हमको सर्दियों में, सर्दियों में ज़्यादातर टाइम इसी रूम में, पर सबसे ज़्यादा सुकून शांति इसी वाले रूम में है, तो गर्मियों में थोड़ा सा इस रूम में गर्मी ज़्यादा लगती है। गई हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग क्लीन करने के लिए, और जो सामान है उसको मैं ड्रेसिंग में से निकाल लूँगी, और आप लोग देख सकते हो आपको मेरे ड्रेसिंग में ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ज़रूरत का सामान ही बस जो होता है वही है। और इसको मैं मतलब एक एक ड्रो को साथ के साथ में साफ़ करती रहूँगी और फिर इसमें सामान लगाती रहूँगी। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि सारा सामान निकाल करके रख दिया और उसके बाद में क्लीन करूँगी, वो मुझे ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि सारा निकालो फैलाओ और मतलब ज़्यादा फैल जाता है, तो मैं इसीलिए मतलब एक एक ड्रो को ही साफ़ करती रहती हूँ, उसका सामान निकालती रहती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सूखा कपड़ा लिया हुआ है, ना कि गीला कपड़ा, सूखे कपड़े से ही मैं इसको साफ़ करूँ, क्योंकि इतना गंदा नहीं हो रहा है, बस वो जो धूल हो जाती है ना वो धूल है, और थोड़ा सा मुझे इसमें से सामान निकालना था, एक्स्ट्रा सामान जो कि रखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उन्हीं सब सामान को निकाल दूंगी, और काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं, मतलब सामान तो बेकार नहीं है पर काफ़ी टाइम के रखे हुए हैं जो कि हम अब यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हीं को निकालना है इसमें से। बस ड्रेसिंग जो है वो मेरा ज़्यादातर क्लीन हो गया है, तो मेरा जो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो पूरा क्लीन हो गया है, और जो फालतू सामान था सारा वो मैंने इधर निकाल दिया है। बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, इसको भी पता नहीं कितने दिन हो गए, मैंने संभाल के इसलिए रखा था कि कभी काम आ जाएगा। ये कलर है और ये शहद रखा हुआ था, बच गया था तो ये खराब हो गया, इसमें नीचे जो है वो वाइट सा जम गया है, तो मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और इस एलोवेरा जेल को भी कम से कम हो गए होंगे 3 साल, और ये ऐसे ही रखा हुआ था, इसमें था तो फेंका नहीं जा रहा था, पर आज फाइनली मैंने इसको भी निकाल दिया है। मांटू का लोशन था वो भी ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये सारा सामान निकाल दिया है। और मांटू लेकर के कल आई थी अपने ये हेयर बैंड, क्योंकि उसके पास में थे नहीं तो वो इकट्ठा ही 4 ले आई, और मैं भी लेकर के आई थी क्लेचर थे, हाँ अपने क्लेचर लाई थी मैं 2, क्योंकि मुझे क्लेचर की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर में लगाने, क्योंकि मैं जूड़ा बनाती हूँ।
और इसमें मैं सारी अपनी डेली यूज़ की जितना भी सामान होता है वो इसी बास्केट में रखा है मैंने, मतलब जो डेली मैं लगाती हूँ मैं, लिप बाम हो गया और क्लेचर है, बिंदी है, मांग भरने की, वही सब चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ और इसको बाहर ही रखती हूँ यहीं पर, और कोई सामान इसमें नहीं रखती। ये वाली ड्रो तो मैंने साफ कर दी थी, ये बिल्कुल अरेंज है, इनको तो मैंने साफ कर दिया था, कीप मिल गई है। आज मेहंदी लगाएंगे, ये मिल गई है तो इसको यूज करेंगे आज। और ये ना तीजो की है, मैंने तीजो पे मेहंदी नहीं लगाई थी ना, तो ये तभी की रखी हुई है। सारा माल पर्पल का ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इनको कहाँ फेंकूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझको इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ये देखिए सब ऐसे ही भरा पड़ा है, कुछ भी मैंने इसमें से यूज नहीं किया, सारा सामान ऐसे के ऐसे ही है ये। और यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग बिल्कुल क्लीन हो चुका है, सारा सामान अच्छे से लगा दिया है और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया और बहुत जल्दी से, बहुत कम टाइम में। तो अब मेरा इस व्लॉग में यहीं तक का रोल था, मेरा ख़त्म हो चुका है और गौरव जी आ चुके हैं, उनको आप लोगों से करनी है बातें और मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं बीच बीच में टोक देती हूँ। अब मैं टोक देती हूँ, मैं इसमें वो नहीं मानती हूँ, मैं बोल जाती हूँ बीच में, पर मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे बोलना है या नहीं, तो मैं आज बीच में नहीं आऊँगी, उनको आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी बात कीजिए अपने भैया से, जीजू से, हमारे चौधरी साहब से, अब वो आप लोगों से बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय, राम राम, सत श्री अकाल, जय येसु और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि अभी प्रिया बता रही थी कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं ज़रूरी बात कोई कहीं अलग से उठा के नहीं लाया, मैं कुछ कमेंट्स में से कुछ चीज़ें मैंने पिक की है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो थी, जब कई बार लोग लिखते हैं बेस्ट कपल, बहुत अच्छा कपल, आपकी जोड़ी कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें, तो मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं कि हम बेस्ट जोड़ी अगर हैं आपकी नज़रों में, या सच में भी हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के हिसाब से, हमारे परिवार के हिसाब से हम लोगों को काफ़ी सराहा जाता है कि आप लोगों में एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे है और कहीं नहीं है अगर किसी के रिश्ते में तो कैसे ला सकते हैं उसको, उससे भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि तमाम मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे काम के बारे में पता ही, और पब्लिक में मेरा काफ़ी मतलब जो है इंटरेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा है आम पब्लिक के साथ। मैं समझता हूँ कि जब शादी जैसा जो बंधन है ना, हम लोग उसको कैसे देखते हैं वो एक इम्पोर्टेंट बात है। शादी एक ऐसा रिश्ता है, माँ बाप के रिश्ते, वैसे तो सारे रिश्ते यूनिक होते हैं, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको बदला जा सकता है, आप किसी एक को छोड़ करके दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन शादी ही वो रिश्ता है जिसको बदल जाने के बाद शायद ही कोई इंसान ज़िंदगी में खुश रहा हो, क्योंकि एक बार जिसके आप हो जाते हैं, जिसके साथ आप रह लेते हैं, जिसको आप अपना मान लेते हैं, जिसके साथ आप अपना जीवन गुजारने के लिए एक बार सोच लेते हैं, वादे कस्में कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ करके किसी दूसरे पार्टनर के पास जाना
एक ऐसे दूसरे आदमी को चुनना, आपको पहले वाला आदमी आपकी ज़िंदगी में हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमेशा क्या करेंगे, ये स्थिति आए ना कि हम दो हो जाएं, या हम दो मतलब दो इन द सेंस कि हम किसी और के साथ जाएं। उस स्थिति में जाने के लिए हमें हमेशा एक बात सोचनी है कि हर एक परिवार में विवाद है, ऐसा कोई परिवार दुनिया में है नहीं जहाँ विवाद ना हो। कि आइडियल फैमिली है, चाहे किसी भी बड़े आदमी की उठा लो, चाहे किसी छोटे आदमी की उठा लो, मतलब बहुत पैसे वाला भी और बहुत गरीब भी, सबके घरों में लड़ाई है। लेकिन जो लोग इन लड़ाइयों को मैनेज कर पाए उन्होंने क्या किया? देखिए, मैंने कहीं पढ़ा है और ये हम लोग सुनते भी हैं कि शादी जैसे बंधन को हमने नहीं बनाया। ज़रूर हमारे माता पिता लड़का या लड़की देखने जाते हैं, वो पसंद करते हैं, फिर शादी कराते हैं, लेकिन ये बस एक प्रक्रिया है, ये हमारे परिवार का या हमारा बनाया हुआ रिश्ता नहीं है। अगर मैं और मेरी वाइफ आज साथ हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि ज़रूर ये ईश्वर की मर्जी है, उसने हमारे जन्म होने से पहले ही शायद ये तय कर लिया था कि अगर इनका जन्म होगा तो ये एक हो। तो जो चीज़ ईश्वर ने बनाई, जिस चीज़ को, जिस पार्टनर को मेरे लिए ईश्वर ने चुना, मैं उस पार्टनर को कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो मैं ईश्वर के दिए गए आशीर्वाद का अपमान कर रहा हूँ। जब मैं ये बात सोच लूँगा कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये मेरे पिता का फैसला नहीं था कि मैं प्रिया से शादी मेरी हुई या आपकी किसी से शादी हुई, नहीं, ये फैसला भगवान का था, ईश्वर का था, उसने फैसला लिया, तो आप उस फैसले का सम्मान करें। दूसरी चीज़, मैं पहले भी इस बात पर हमेशा से लाइट डालता रहा, फिर से कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे हिसाब से विश्वास, जिसकी आज के समय में बहुत भारी कमी है रिश्तों में। मैं बहुत सारे मामलों में क्या देखता हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड ने फलाने आदमी के सामने बैठ के ये बात कही, तो पत्नी ने क्या किया, तुरंत क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप ऐसे मतलब उनसे नहीं पूछा, थर्ड पर्सन को जाके पूछ लिया, मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे? हाँ जी आए थे। वो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ जी, ये बात हो रही थी। अब देखिए, समझिए, आपके हस्बैंड ने जो बात कही उसका उनका परसेप्शन या उनके कहने का नज़रिया, उनके कहने का ढंग कुछ और होगा, लेकिन सामने वाला इंसान जो उस रिश्ते में नहीं है, जिसको आप और आपके हस्बैंड जी रहे हैं या आपके पत्नी और आप जी रहे हैं, जो उस पोजीशन में है ही नहीं, तीसरा आदमी उस स्थिति को हूबहू वैसा यानी कि सेम नहीं समझेगा, उसकी समझ में निश्चित रूप से फ़र्क आएगा। जो वैसा अब जैसा उसने उस बात को सुना और समझा वैसा ही वो आपको बताएगा। क्या हुआ कि कम्युनिकेशन मतलब संवाद, बातचीत, मैंने एक बात इनको कही, इन्होंने बात मेरी वाइफ को कही। जब एक संवाद सीधे ना होकर के किसी माध्यम से होता है ना, उसमें हमेशा त्रुटि होती है, हमेशा। ये कम्युनिकेशन का रूल है, अगर मैं गलत नहीं तो उसमें बात कही गई है कि अगर कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत सीधी नहीं है तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। और शादी जैसे रिश्ते में जब छोटी सी गलती होती है तो उसका जो साइज़ है ना, यानी कि जो उसका इम्पैक्ट है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत ही निगेटिव और लार्ज स्केल इम्पैक्ट होता है, जो रिश्ते को बहुत जल्दी ख़राब करता है। तो विशेष बात यह है ध्यान रखने की, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोशिश करनी है कि वो दो लोग बैठें और उस बात को सॉल्व करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पूरा दिन लड़ने के बाद शाम को एक बार बैठना है और बैठ के ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कूल माइंड से सब कुछ भूल करके सामने वाले की बात सुननी है, और ये दोनों लोगों को करना होता है। आप समझिए, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, थोड़ी गलती मेरी, थोड़ी आपकी थी, और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। और जब ये प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं, आप विश्वास मानिए, हम तो कपल हैं जैसे हैं ही, आप लोग जो बोलते हैं वो सच है, हम लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपके बीच हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात कहा, कभी आप इसको ट्राई करना, किसी एक आदमी के कान में एक बात बोलना, पांच लोग लाइन से खड़े होना, पहले आदमी के बाद एक लंबा सेंटेंस बोलना, फिर देखना पांचवा आदमी क्या बोलता है, पांचवा आदमी उस सेंटेंस को कुछ और ही बोलेगा। इससे आपको पता लगेगा कि सीधी बातचीत का और किसी के माध्यम से बातचीत होने में कितना फ़र्क है। लास्ट बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर कभी हम इस पर बात करेंगे, विश्वास के अलावा सम्मान। मैंने अधिकतर मामलों में क्या देखा है, हस्बैंड वाइफ के बीच जब कोई झगड़ा होता है, बात यह है कि जब भी आप हस्बैंड वाइफ कहीं हों, अगर आपके बीच में विवाद है और आप घर से बाहर निकलते हैं, तो विवाद आपके फेस पे कभी दिखना नहीं चाहिए। बाहर जाते एकदम नॉर्मल हो जाओ, आम आदमी की तरह व्यवहार करो, बिल्कुल ऐसे रहोगे आप बहुत खुश हैं, उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करो। इससे क्या है कि आपके रिश्ते में ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आती है
और जो विवाद है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इन तीन चीज़ों को आप कोशिश करके देखिए, मुझे लगता है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, धैर्य रखिए, समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इतनी बात आप लोगों से कहनी थी। और ये मांटू है हमारी, पाकी सो रही है अपने गुड्डे के साथ। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। प्रिया जी ने आज व्लॉग मुझे एंड करने के लिए कहा कि आप ही करें, क्योंकि मैं उनसे कह रहा था कि मुझे कोई बात लोगों के साथ शेयर करनी है। तो तब मिलते हैं फिर हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए और बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान दें। तब तक के लिए बाय।